जब हमें कोई कुछ बताता है तो हम उससे 100 तरह के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि तरीकों से। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिनकी पहेली आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। मानव इतिहास में मानव ने बहुत सारी तरक्की कर ली है। एक छोटे से परमाणु से लेकर उपग्रहों पर जाना हो या सोलर सिस्टम से बाहर यान भेजने तक कई महान कार्य कर चुका है। आज विज्ञान की वजह से मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री इत्यादि में बहुत तरक्की हो गई है और हम यह भी समझते हैं कि साइंस के पास हर सवाल का जवाब है, चाहे वो चांद से लेकर धरती तक और धरती से अंतरिक्ष तक। लेकिन यह आपकी भूल है, साइंस के पास सभी सवालों के जवाब नहीं है। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में आपसे जिक्र करते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज़ गॉड? क्या भगवान है? क्या इस ब्रह्मांड में भगवान है? साइंस की माने तो भगवान नहीं है, क्योंकि विज्ञान के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। पर यह दुनिया कैसे बनी? तो विज्ञान कहती है कि 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग के बाद दुनिया अस्तित्व में आई, अर्थात 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु बिग बैंग क्यों हुआ और इससे पहले क्या था? इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। और धरती पर सबसे पहले जीव की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर विज्ञान अभी तक आपस में उलझे हुए हैं। दूसरा सवाल, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों के इनसे भी ज़्यादा ग्रह हैं और इन ग्रहों के उपग्रह हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह हैं जहाँ जीव जंतु है? और अगर है तो वो कैसे दिखते होंगे? वो हमसे ज़्यादा विकसित होंगे या हमसे कम? इस बारे में हमारा विज्ञान अभी तक कुछ भी नहीं जान पाया है। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि पानी में जीव ना होता तो शायद आज हम यही मानते कि जल में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। जबकि हमें पता है कि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन एक अति महत्वपूर्ण मटेरियल है। तो हो सकता है कि इसी प्रकार से दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने प्लेनेट के ही किसी मटेरियल की ज़रूरत हो। परंतु इस बारे में अभी तक न तो कुछ हम जान पाए हैं और न ही कोई कल्पना कर पाए हैं। तीसरा सवाल, फिंगरप्रिंट, अंगुली की छाप। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। इसकी वजह से हम बहुत से ज़रूरी डॉक्यूमेंट सेफ रख सकते हैं, मोबाइल में पासवर्ड की तरह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होता है? इसका जवाब हमारे विज्ञान के पास भी अभी तक नहीं आया है। चौथा सवाल, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ? मरने के बाद क्या होता है? पुराने समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है, तथा कुछ लोग पुनः जीवन पर भी यकीन करते हैं। डॉक्टर ये तो जान लेते हैं कि व्यक्ति अब मरने वाला है, मगर ये राज अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है। पांचवा सवाल, व्हाई डू वी ड्रीम? हम सपने क्यों देखते हैं? इस पर बहुत से रिसर्च हुए और उस रिसर्च के अनुसार बहुत सी थ्योरी सामने आई। उनमें से कुछ थ्योरी कहती है कि इंसान रात को सोते समय सोचता है और वही उसके सपने में आ जाता है, और कुछ कहते हैं कि इंसान कुछ सोचता है और अगले ही पल भूल जाता है, वही सपने में आते हैं। परंतु आपको तो पता ही होगा कि हमें कभी कभी बहुत ही डरावने सपने आते हैं, लेकिन हम कभी डरावनी चीज़ों के बारे में तो नहीं सोचते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका सटीक जवाब अभी तक विज्ञान के पास भी नहीं है। छठा सवाल, टाइप्स ऑफ ब्लड, खून के प्रकार। वैज्ञानिकों ने यह तो पता लगा लिया कि ब्लड सेल यानी रक्त कोशिका कैसे बनती है और क्या करती है, लेकिन अभी तक हमारी साइंस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इंसानों में ऐसे अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों बनाए गए। इससे क्या सिद्ध होता है, यह तो भगवान ही जाने। सातवां सवाल,
ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? जो मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं परमाणु से बना है, मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही परमाणु से बना है। बाकी 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है यह हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिकों ने जितनी भी अध्ययन किया है उससे यह पता चला है कि ब्रह्मांड का ज़्यादातर भाग दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है डार्क मैटर। इसके बारे में कहा जाता है कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखती है। दूसरा है डार्क एनर्जी। इस ऊर्जा के कारण हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बारे में जानना विज्ञान के लिए भी लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आज हमने आपको कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताया है जिसे जानकर आप भी असमंजस में जरूर पड़ गए हैं, और आप इन सवालों को अपने दोस्तों से भी पूछिएगा और उनको भी इनके बारे में बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए, जिससे कि अगर हम ऐसी ही नॉलेजफुल और रोचक तथ्यों से भरी वीडियो आपके लिए लेके आए तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।